ब्रह्मांड, ये शब्द आखिर कहां से निकला? भगवान ब्रह्मा से, वही ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि रची। पर क्या ऐसा हुआ कि जिसने सृष्टि रची उसकी पूजा इस सृष्टि में होती ही नहीं? ऐसा क्या पाप किया था भगवान ब्रह्मा ने जिसकी वजह से उन्हें धरती पर पूजा नहीं जाता? हर हिंदू के मन में यह सवाल एक बार जरूर कौंधा होगा। हमारी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तीन मुख्य देव बताए गए जिनमें ब्रह्मा इस सृष्टि के रचनाकार है, विष्णु जी इस जगत के पालनहार है और भगवान शिव इस संसार के संहार करता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के तो अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन इस देश में भगवान ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के चार मुख हैं जो चारों दिशाओं की ओर देखते हैं, उन्हें चारों वेदों का निर्माता माना गया है। हर एक वेद उनके एक एक मुख से निकला है। तो क्या कभी आपके दिमाग में यह विचार आया है कि ब्रह्मा जिनकी पदवी इतनी ऊंची है उनकी पूजा इस सृष्टि पर आखिर क्यों नहीं की जाती? यदि आप नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों नहीं की जाती। एक बार भगवान ब्रह्मा तीनों लोकों के कल्याण के लिए एक यज्ञ करना चाहते थे और स्थान के लिए उन्होंने अपनी एक भुजा से निकले कमल धरती पर भेजा। वो कमल राजस्थान के एक स्थान पर रुका और एक तालाब का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए यही स्थान रखा और स्थान का नाम पुष्कर रखा और यज्ञ शुरू करने लगे, लेकिन उनकी पत्नी को उस यज्ञ में शामिल होने में देरी हो गई और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वेदों के अनुसार कोई भी यज्ञ केवल तभी पूर्ण माना जाता है जब उनकी पत्नी उस यज्ञ में शामिल हो। तभी ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालन से शादी की और यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ तब उनकी पत्नी सावित्री उस यज्ञ में पहुंची। तब उन्होंने अपनी जगह एक दूसरी स्त्री को बैठा देखा। क्रोधवश उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि आपकी पूजा इस सृष्टि में कहीं भी नहीं होगी। ये सुनकर हाहाकार मच गया। हर देवता ने सावित्री जी से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन विनय करने के बाद भी वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में तो इनकी पूजा नहीं होगी, केवल पुष्कर में ही इनकी पूजा हो सकेगी। इसी कारण ब्रह्मा की पूजा हर जगह नहीं होती। माना जाता है कि क्रोध शांत होने के पश्चात देवी सावित्री पास की पहाड़ी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। इसके लिए स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए सावित्री की पूजा करती हैं। तो ये वजह थी जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा की इस सृष्टि में सिर्फ एक जगह ही पूजा होती है और वो है पुष्कर और कहीं नहीं। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।